विद्यालय में आपका स्वागत करेंगे हम, विद्यालय में आए आपका स्वागत करेंगे हम, जय जय भारत। आप सभी को विनती है, आग्रह है, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाइए और आप सभी के बीच आपके मेहमान प्रशांत किशोर जी सचिव हो चुके हैं, अपनी बात थोड़े समय में शुरू करेंगे। अभी आप लोग अपना जगह ले ले, हम चाहेंगे कि प्रशांत किशोर जी का स्वागत हमारे विद्यालय के चेयरमैन सावर साहब ही करें। हमारे विद्यालय के चेयरमैन साहब जो स्टेज पे आए हैं वो प्रशांत किशोर जी का स्वागत करें। सलवान हमारे विद्यालय के चेयरमैन साहब माला पहनाकर अपने मेहमान का स्वागत करेगा। आप सभी से आप सभी के सामने ये एक वस्त्र और माला पहनाकर स्वागत करें, जोर से स्वागत किया जाए, जोर से तालियां। प्रशांत जी को ही आमंत्रित कर रहे हैं और माइक उन्हीं के हाथों में दे रहे हैं, आप उन शांति बनाए रखें और उनकी बातों को सुने। नमस्कार, आपके गांव के इस विद्यालय के प्रांगण में, आपके गांव के इस विद्यालय के प्रांगण में आपसे मिलने का, आपसे परिचय करने का जो आपने अवसर दिया है, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा नाम प्रशांत किशोर है, बिहार के रोहतास जिला के एक छोटे से गांव कोनार से आते हैं। आप अगर शांत हो जाए तो अच्छा। रोहतास जिला के एक छोटे से गांव कोनार से आते हैं। मेरे दादा बैलगाड़ी चलाते थे, पिताजी सरकारी चिकित्सक थे और मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं के सरकारी स्कूलों से, जिसको आप और हम बोड़ा छाप स्कूल कहते हैं, इन्हीं स्कूलों से पढ़कर निकले। बात है संयुक्त राष्ट्र संघ में 10 साल तक भारत में और फिर अमेरिका और अफ्रीका में काम करते थे। जिस परिचय से आप मुझे जानते हैं, चुनावी रणनीतिकार, प्रबंधक या बोलचाल की भाषा में जो आदमी चुनाव जिताने में लोगों की दलों की मदद करता है, उस काम को 10 साल तक किया। लेकिन 2021 में जब बंगाल के रिजल्ट आए, उस दिन जीतने के बाद, बंगाल में चुनाव जीतने के बाद मैंने ये पब्लिकली घोषणा की है कि अब जीवन में किसी भी राजनीतिक पार्टी या नेता के साथ काम नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, लोग समझते हैं कि भाई इतना बड़ा काम था, उसी काम को कर इतना नाम कमाया है। मीडिया बताती है कि सैकड़ों करोड़ रुपए भी लोग देते थे उस काम को करने के लिए, तो उस काम को क्यों छोड़ दिया? उस काम को इसलिए छोड़ दिया, 10 साल ज्यादातर करीब करीब एक चुनाव छोड़ दे तो सारे चुनाव जीतने के बाद ऐसा अनुभव हुआ कि आपके प्रयास से अगर सत्ता का परिवर्तन हो जाए तो ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए। चुनाव तो दल जीत जाते हैं, नेता बदल जाते हैं, लेकिन लोगों की जिंदगी नहीं बदलती है। इसीलिए बंगाल चुनाव के बाद एक साल तक सोचने समझने के बाद, सारे विकल्पों को जांचने परखने के बाद,
ये तय किया कि अगर भगवान ने बुद्धि शक्ति दी है तो अपने राज्य बिहार में जाएंगे और यहाँ आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे। दल बनाकर चुनाव लड़ने की बात नहीं है। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई 10-10 साल में काम कर रहे थे बिहार में क्यों लौटे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी मिट्टी से निकले हैं तो इस मिट्टी का कर्ज वापस करने आए हैं। ये देखने और समझने आए हैं कि जिस मिट्टी से निकल कर गए वहां के लोगों की जो गरीबी है, उस उनकी जो दुर्दशा है, आपका जो पिछड़ापन है, इसको कैसे सुधारा जा सकता है। इसीलिए लौट कर वापस आए हैं, पदयात्रा पर निकले हैं, गांव गांव जा रहे हैं, वोट नहीं मांग रहे हैं, दल नहीं बनाया है, नेता नहीं है, विधायक मंत्री नहीं है, फिर भी आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में लोग साथ में चल रहे हैं। ये क्यों चल रहे हैं? ये मेरी ताकत नहीं है, ये नीचे समाज की छटपटाहट है जो बिहार की स्थिति को बदलना चाहता है। बदलना चाहते हैं ना भाई? बदलना चाहते हैं ना? दल बदलने से बात नहीं बनेगी। अब आप जरा समझिए कि हम लोगों की ये दुर्दशा क्यों है, हमारी आपकी दुर्दशा क्यों है। वोट तो हम लोग दे ही रहे हैं, कभी कांग्रेस को दिया, फिर लालू जी को दिया, नीतीश को दिया, मोदी जी को भी दिया, सबको वोट दे के देख लिए, लेकिन स्थिति है कि बदल नहीं रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब हम लोग वोट दे रहे हैं तो हम लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, स्कूल कॉलेज के लिए वोट नहीं दे रहे हैं, रोजगार के लिए, अस्पताल के लिए वोट नहीं दे रहे हैं। हम लोग जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर किसी का झंडा देख लिया, किसी का बैनर देख लिया, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट कर रहे हैं। इसीलिए ये दुर्दशा, जब तक जनता नहीं समझेगी इस बात को तो कोई प्रशांत किशोर यहाँ की स्थिति को नहीं सुधार सकता है ना बात। आप 5 साल तक ये रोज कहते हैं घर में बैठ के कि नेता हमको ठग कर चला गया, काम नहीं किया, काम नहीं करता है। लोग बताते हैं ए भैया वोट लेके चल जा, पड़ जा, कोई काम नहीं के करो। तो नेता को तो गलती बा, लेकिन हमरा के रवा ये बताई कि रवा के कोई एक बार ठग सकेला, दो बार ठग सकेला, 5 बार कैसे ठग देता भाई? हर बार रवा कैसे ठगा रहता है? तो कहीं ना कहीं गलती हमने अपने में बा। रवा देख ली रवा अपना जिला में दू गो लोकसभा में मान जाना जीत के गई, कई बार से नहीं पता जा बाबू जी जीतत रहते कि कामे नहीं थे हो तो कैसे काम हो। साल भर 2 साल भर के घर में गाली देता नहीं, काम नहीं थे हो, रोड नहीं थे, अस्पताल नहीं थे, रोजगार नहीं थे, आज जब वोट देने के हो तब जाके फिर उन्हें बदल दबा देता नहीं, दबा देता नहीं ना, दबाता नहीं ना। तो पब्लिक से पूछा था नहीं ये भाई काहे के वोट के समय जब काम नहीं कम कर रखता, आदमी बता रहा था कि भैया क्या करी, विकल्प नहीं थे, विकल्प नहीं है। आप हम तो बताइए, अगर विकल्प नहीं है तो बिहार में विकल्प बनाने इंग्लैंड से आदमी आएगा, हम ही लोग बनाना पड़ेगा। इसीलिए पद यात्रा पर निकले, दल बनाने नहीं, एक नया और बेहतर विकल्प बनाने निकले। जैसे आप दही से मक्खन मक्खन निकालते हैं, वैसे गांव गांव जाकर लोगों से मिलना है, उनसे समझना है, और आपकी मदद से समाज से ऐसे आदमी को ढूंढ कर निकालना है जिस पर आपका भरोसा है, जो समाज का सही आदमी है, धरती से जुड़ा हुआ है। अगर कल जीत कर आ जाए तो
तो समाज के लिए कुछ करेगा। एक बार लोगों ने ऐसे लोगों को सुन दिया, फिर उसी के पीछे अपनी बुद्धि शक्ति पैसा ताकत लगाएंगे और आपके आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे, तभी इसी बदले। नाम दिया है जनसुरा। जनसुराज का मतलब क्या? मोदी राज नहीं, लालू राज नहीं, नीतीश राज नहीं, प्रशांत किशोर राज नहीं, जनता का राज। जो गांधी जी ने बताया कि भैया जो जनता के हिसाब का सुंदर राज हो उसको माना जाएगा, इसीलिए पदयात्रा पर निकले। पदयात्रा पर इसलिए भी निकले हैं कि जिनके साथ काम करना है, जिस समाज को बदलना चाहते हैं, कम से कम एक बार आकर देखें तो सही कि आप किस दुर्दशा में रह रहे हैं, ये देखें तो सही कि आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ने जाते हैं, ये देखें कि आप किस बीमार पड़ते हैं तो किस अस्पताल में जाते हैं, आपके गलियों की स्थिति क्या है, आपके सड़कों की स्थिति क्या है, ये देखें कि आपके खेत में पानी पहुंच रहा है कि नहीं, और आपके दुकान की हालत क्या है। एक बार तो देखना बनता है, बनता है ना भाई? अगर नहीं देखेंगे तो कल होकर अगर मौका मिल भी जाए तो क्या कर लेंगे, कुछ समझ में ही नहीं आएगा, इसीलिए पदयात्रा पर निकले। अब आप यहाँ देखिए, हम चाहे पदयात्रा कर लें, दल बना लें, उससे स्थिति नहीं सुधरेगी। स्थिति तब सुधरेगी जब आपको इस बात का एहसास होगा कि नहीं, अगली बार वोट लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को भी नहीं, वोट उसको पढ़ना चाहिए जो आपके बच्चों के भविष्य की चिंता करे, जो आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाए, जो आपके बच्चों के लिए भरपेट भोजन का जुगाड़ करे। जब अगर आप अपने बच्चे का चिंता नहीं कीजिएगा तो नेता आपके लड़के की चिंता काहे करेगा? करेगा नहीं करेगा ना भाई? लालू जी का लड़का, लालू जी का लड़का दसवां फेल है, दसवां पास नहीं किया है। लालू जी का प्रयास है कि उनका लड़का राज्य का मुख्यमंत्री बन जाए, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जनता वोट दे देगी तो बन जाएगा। दसवां फेल उनका लड़का है, वो मुख्यमंत्री बनेगा, और आपका लड़का जो ग्रेजुएशन करके बैठा है उसको चपरासियों को नौकरी नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कि नहीं? तो इतना धीरे बोलेगा तो सुनाई देगा, मिलना चाहिए ना? अरे भाई, लालू जी अपने लड़का का चिंता कर रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बने, तो आप अपने लड़का को चपरासियों बनाने का चिंता कीजिएगा ना। आप जब अपने लड़के का चिंता ही नहीं कर रहे हैं तो दूसरा आपकी चिंता क्यों करेगा? नहीं करेगा। मोदी जी को हम लोग वोट दिए है ना, कितना वोट दिया मोदी जी को हम लोग, तभी ना प्रधानमंत्री बने हैं। अब बनने के बाद कितना फैक्ट्री लगवा दिए बिहार में, लग गई फैक्ट्री। अरे मोदी जी फैक्ट्री लगा दिए? नहीं लगा, तो फैक्ट्री लग रहा है गुजरात में, हम लोग का लड़का जाकर वहां मजदूरी कर रहा है। गुजरात के मोदी जी को कितना एमपी जीत कर गया है? 26 गो। गुजरात से मोदी जी का 26 एमपी जीत कर गया है, तो फैक्ट्री लग रहा है गुजरात में, 1,00,000 करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है गुजरात में। हम लोग जिताए हैं 39 एमपी, तो हम लोग को पसेंजरों नहीं मिलना चाहिए, पसेंजरों गाड़ी नहीं मिलना चाहिए भाई? तो नरकटियागंज में आदमी कहता है, ये भैया है छोटी लाइन में एक पसेंजर चालू हो जाए इतना तो बड़ा अच्छा रहे। देखिए गुजरात में बहुत बड़ा मोदी जी को, तो वहां बुलेट ट्रेन बन रहा है और हम आप भीख मांग रहे हैं वो छोटी लाइन का पैसेंजर के लिए, काहे मांग रहे हैं? इसलिए मांग रहे हैं कि मोदी जी को पता है कि अगला बार आएंगे तो फिर भटवा आप दे दीजिएगा ना दे दीजिए, एक बार मोदी जी को फिर भोट दे दीजिए। अभी सिलेंडर का 1,300 न दे रहे हैं, 2,000 रुपया देने के लिए तैयार हो रही है,
दीजिएगा तो 2000 रुपया सिलेंडर का लगेगा। अब पेट्रोल डीजल 90 रुपए हुआ है ना, 200 रुपया देने के लिए तैयार रहिए। एक बार जाकर मोदी जी का बटन दबा दीजिए, फिर समझ में आए। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं, जब आप अपनी चिंता नहीं करेंगे तो कोई दूसरा चिंता आपका काहे करेगा। 40 MP आप बिता दीजिएगा और आपको पैसेंजर नहीं मिलेगा। 40 MP बिहार का रहेगा और यहाँ पैसेंजर नहीं बनेगा, फैक्ट्री नहीं लगेगी। लगेगी, आप 40 MP जुटा कर दिखाइए ना, बिना आपके सरकार बनेगी 24 में नहीं बन सकती। इसीलिए पद यात्रा पर निकले, आपके हाथ जोड़ रहे हैं, आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हे भाई, अगला बार वोट उसको दीजिएगा जो आपको रोजगार दे, अगला बार वोट उसको दीजिएगा जो यहाँ फैक्ट्री लगवाए। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, खड़े हैं, सबके घर में कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा जो बाहर मजदूरी जाकर कर रहा है ना। रोजगार के लिए आपके घर का कोई ना कोई आदमी दूसरे राज्य में जाकर काम कर रहा है ना। लड़के ज्यादा बोल रहे हैं, जो रोजगार करने जा रहे हो नहीं बोल रहे हैं। उसमें बोला ऐसा भर के आदमी जाता है ना। जरा सोचिए, जिस बच्चे को बड़ा करने में आप अपना पेट काट काट के आपने खिलाया, जवान बनाया, एक बार लड़का 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, तो पीठ पर बैग बांध कर मजदूरी करने, काम की खोज में रोजगार करने कोई गुजरात गया, कोई केरल गया, कोई पंजाब गया, कोई दिल्ली बॉम्बे गया, है ना। एक बार यहाँ से लड़का चला गया तो साल में एक के बाद आपको उसका मुंह देखने को मिलता है। कोई पर्व त्योहार हुआ तो लड़का घर आएगा, बाकी समय आप उसका चेहरा नहीं देख सकते हैं। अगर वहां बीमार पड़ जाए, यहाँ छटपटा के रह जाइएगा, फिर भी आप उसको नहीं देख पाइएगा। अभी 3-4 दिन पहले हम सुबह सुबह कैंप से निकल रहे थे, एक बूढ़े आदमी आकर मिले, बताया कि भैया हमारा लड़का कश्मीर में काम करता है, मजदूरी करने गया था, गोली बन गई है, अस्पताल में भर्ती है, कोई मदद करवा दीजिए। हमने पूछा कितना रुपया मिलता था, बताए कि 12,000 रुपया मजदूरी मिलता था महीने का। बताइए 12,000 रुपया के लिए किसी का 21 साल का जवान बेटा कश्मीर में उसको गोली लग गई, उसके बाद पर उसके परिवार पर क्या बीतती होगी, आप हमको बताइए। गुजरात का कोई आदमी आकर यहाँ मजदूरी कर रहा है, केरल का आदमी आकर के मजदूरी कर रहा है, पंजाब का आदमी मजदूरी कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। गरीबी तो वहां पर भी है, भ्रष्टाचार वहां पर भी है, यही संविधान वहां पर भी लागू है। तो 15,000-20,000 रुपया के रोजगार करने के लिए वहां के लोग बिहार में क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वहां की सरकारों ने कम से कम 15,000-20,000 रुपया का रोजगार का व्यवस्था कर दिया। तो अगर ये काम गुजरात पंजाब केरल में हो रहा है तो बिहार में भी होना चाहिए ना। इसीलिए जन चुनाव का पहला संकल्प है, अगर मौका मिला तो साल भर के अंदर जितने लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, रोजगार खोज रहे हैं या जो बाहर रह रहे हैं, उनको 15,000-20,000 रुपए का रोजगार उनके गांव में पंचायत में ही किया जाएगा, हर हालत में किया जाएगा, ताकि 15,000-20,000 रुपए के लिए किसी को अपना परिवार और गांव घर छोड़कर नहीं जाना पड़े। यही पूरा प्रयास है, इसी से स्थिति सुधरेगी, दूसरा कोई उपाय नहीं। होना चाहिए ना भाई, प्रयास करो ना। नीतीश जी कहता है कि बिहार में भारी विकास कर दिए हैं, हमको 15-20 दिन पहले बुलाए थे, बुला के कहला कि सब काहे लिए हंगामा कर रहे हैं, काहे पद यात्रा शुरू कर रहे हैं,
आप तो हमारे ही साथ थे, हमारे ही साथ रहिए, हमारे बाद आप ही हैं। तो हम उनको बताए कि सर 15 में आप जीते थे, 17 में आप छोड़कर चले गए, अब फिर से आर्थिकों के नीचे नहीं आने वाले हैं, अब आपके साथ नहीं आएंगे, चाहे आप कितनी ऑफर कर दीजिए। बिहार को बदलने के लिए, बिहार में विकास के लिए, गरीबी के सामूहिक नाश के लिए, बिहार के जनता को जगाए बगैर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमारे जीतने से, हमारे बल बनाने से भी बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब बिहार की जनता जगेगी। जंगल के आगे कोई बल नहीं है। जिस दिन आप खड़े हो गए, जितना लोग हेलीकॉप्टर पर घूम रहा है, एक दिन में धरती पर आ जाएगा। आ जाएगा ना, जिसका बटन दबा दीजिएगा वही राजा बन गया। अभी 10 दिन से चलना शुरू किए हैं, रैली नहीं किए, धरना प्रदर्शन नहीं किए, गाली गलौज नहीं कर रहे हैं, 200-400 आदमी के साथ पैदल चल रहे हैं। और यहाँ से लेके पटना तक लोग भड़बड़ाहट में पड़ा हुआ है, अरे बाप रे क्या हुआ है ना, घबराहट है ना, वो हमारी ताकत नहीं है, वो उनकी घबराहट इस बात को लेकर है कि कहीं जनता जग गई तो कहानी खत्म, बदल हो गया बहुत दिन 35 साल। हमको कह रहा है, हमको कह रहा है कि भाजपा से पैसा लिए हैं प्रचार करने के लिए। आप भाजपा वाला कह रहा है कि नीतीश कुमार इनको 1,000 करोड़ रुपया दिए हैं ये काम करने के लिए। आप कुछ लोग ये भी बता रहा है कि कांग्रेस वाला इनको पैसा दिया है। अब आप बताइए, जदयू जैसा पार्टी जो एक लंगड़ी सरकार है, आज तक पूरा बिहार जीत नहीं पाया। लालू यादव पिछला 25-30 साल में बिहार नहीं जीत पाए। आप पार्टी चला रहे हैं कैसे? आपका आधा सरकार है तो आप पार्टी चला रहे हैं। हम आपको ऐसा 6 मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, हम तो इतना भी मदद नहीं करेगा। आप आधा सरकार चला रहे हैं तो आपके पास पार्टी चलाने का, प्रचार करने का पैसा है। हम 6 मुख्यमंत्री बनाकर बैठाए हुए हैं तो हमको प्रचार करने के लिए पैसा की जरूरत है? चेंज लोग देखेंगे तो उससे भी काम हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। हम उनमें से नहीं है जिनको लालू और नीतीश जैसे लोग घटिया देंगे, ऐसे ऐसे लोगों के नाक में दम कर देंगे। उनको पता नहीं है, उनको पता नहीं है, हम लड़ने के लिए लड़ने वालों में से नहीं है। अगर लड़ने आए हैं तो आप मान के चलिए कि जीत का खाका दिमाग में बना कर आए हो, ये समझ बूझ कर आए हैं कि इसको जीतने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी, कितनी व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कितना पसीना बहाना पड़ेगा और संसाधन कहाँ से लाना पड़ेगा। किसी के ए टीम बी टीम नहीं है, जनता को ए टीम बनाने आए हैं और संकल्प लेकर आए हैं कि एक बार जब तक पूरा बिहार घूमकर देख न ले, जनता से सीधा बात न कर ले। 3500 किलोमीटर चलने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा, घर वापस लौट कर जाने वाले नहीं है। एक बार चलना शुरू किया तो पूरा बिहार कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही घर वापस लौट कर जाएंगे। ठीक है ना, प्रयास हो ना।